तुझसे जो मिलके मजा है कहां वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हम बुक का चैप्टर नंबर 14 पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और होज स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, लेकिन बुक के अंदर इसको एक अलग से चैप्टर दिया है तो इसके भी तीन चार पार्ट्स में हम इसको कवर कर लेते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर इंसान काम करते थे, इस चैप्टर के अंदर टंकियां काम करेंगी, बाकी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये चैप्टर भी। तो चलिए, ऐसा कुछ अलग है नहीं इस चैप्टर के अंदर, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तीन नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो भाई, तीन नल है ए बी सी, भाई ए लेता है 12 घंटे, बी 15 और सी 20। इनका एलसीएम कितना भाई, 60। तो मैंने मान लिया भी 60 जो है वो टंकी की कैपेसिटी थी भाई, जो टंकी है उसकी क्षमता 60 लीटर या 60 यूनिट है। अब देखो भाई, 12 घंटे ले रहा है ए, तो ए की क्षमता कितनी भाई, 60/12 5, बी की आ जाएगी 4 और सी की आ जाएगी 3, यानी तीन नल है। अगर मैं टंकी को 60 लीटर की मान लूं तो ए हर घंटे 5 लीटर, बी हर घंटे 4 लीटर और सी हर घंटे 3 लीटर पानी डाल रहा है इसमें। अब बोला ए को पूरे समय खुला रखा और बी और सी को बारी बारी एक एक घंटे खोला, यानी देखो ए तो हमेशा खुला रहेगा, पहले घंटे बी, अगले घंटे सी, फिर अगले घंटे बी, फिर अगले घंटे सी, ऐसे ये बारी बारी खुलते रहेंगे, लेकिन ए हमेशा खुला रहेगा। तो बताओ पहले घंटे में कितना पानी आ जाएगा, 5 यूनिट तो ए डालेगा और 4 यूनिट बी डालेगा, क्योंकि पहले घंटे ए और बी काम करेंगे, दूसरे घंटे ए और सी, अगले घंटे फिर ए और बी, अगले घंटे फिर ए और सी, ऐसे काम चलेगा। तो पहले घंटे 5 और 4 कितना भाई, 9 यूनिट पानी आएगा। अगले घंटे ए और सी काम करेंगे यानी 5 और 3 कितना भाई, 8 यूनिट पानी आएगा। तो दो घंटों में कितना आ गया भाई, 17 यूनिट पानी, यानी हर दो घंटों में 17 यूनिट पानी आएगा। पहले दो में 17 आया, फिर अगले दो में 17, फिर अगले दो में 17, तो मैं कह सकता हूं भाई दो घंटे में 17 यूनिट पानी आ रहा है, और पानी मुझे कितना चाहिए भाई, 60 यूनिट। तो भाई 17 का पहाड़ा ऐसे चलाओ कि 60 या 60 से जस्ट नीचे पहुंचो, 60 के ऊपर नहीं जाना अपने को। तो 17 का 3 गुना होता है 51, तो 51 पे ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तो 17 का 3 गुना 51, तो 2 को 3 से गुना कर दूं भाई, 6 घंटे, 6 घंटे में कितने यूनिट भाई, 51 यूनिट। ठीक है, अब देखो भाई अगले 7वें घंटे में भाई ए और बी काम करेंगे। अब ए डालेगा 5 और बी डालेगा 4, 5 और 4 कितने हो गए भाई, 9। तो मैं कहूंगा 7 घंटे बाद 51 में 9 और जोड़ दूं, कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। तो भाई 7 घंटे लगेंगे, इसका मतलब ऑप्शन सी 7 घंटे इसका सही उत्तर है। चलो भाई नेक्स्ट। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो देखो, अब तो 20 और 30 पे कितने सवाल बन गए, आपको उत्तर याद हो गया होगा। अब तो भाई 20 मिनट और 30 मिनट जब दोनों मिलते हैं तो 12 मिनट में भर जाता है ना भाई, 20 घंटे और 30 घंटे अलग अलग इंसान काम कर रहे हैं तो एक साथ करेंगे तो वो 12 घंटे में कर देते हैं। तो फिर भी कर ही लो इसको, ए बी, ए लेगा 20 मिनट, बी लेगा 30 मिनट, भाई एलसीएम कितना, 60, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, दोनों की मिलकर क्षमता हो गई 5। अब ये 60 यूनिट भरना है 5 की क्षमता से, उत्तर आ जाएगा 12 मिनट, भाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है, टंकी में पानी चूनने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, तो भरी हुई टंकी पानी चूनने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो भी एक नल है वो 2 घंटे में भर सकता है टंकी को, लेकिन कहीं से पानी रिस रहा है भाई, बाहर जा रहा है, उसकी वजह से टंकी 2 घंटे में नहीं भरी, 2 सही 1/3 घंटे लगे, यानी कि 7/3 घंटे लग गए उसको। तो ज्यादा टाइम लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि साथ साथ थोड़ा सा पानी बाहर भी जा रहा था। तो अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि अगर टंकी पूरी भरी हो, पूरी टंकी भरी है और जब पानी हल्का हल्का जब बाहर निकल रहा है, रिस रहा है, तो कितने घंटे में वो पूरी खाली हो जाएगी। देखो भाई, मैंने मान लिया भाई पानी जो आ रहा है वो पाइप ए से आ रहा है और जो पानी रिस रहा है वो बी से रिस रहा है। तो ए भाई 2 घंटे में भर देता है टंकी को, अच्छा पानी बी से रिस रहा है, यानी जब ए और बी दोनों खुले होते हैं, यानी कि भाई पानी आ भी रहा है और रिस भी रहा है, दोनों काम जब एक साथ हो रहे हो, तो मैं कहूंगा ए प्लस बी कितना टाइम लेते हैं भाई, 2 सही 1/3 यानी कि 7/3 घंटे ले रहे हैं। अकेला ए चलता है तो 2 घंटे लेंगे, लेकिन साथ में पानी रिस भी रहा है इसलिए 7/3 घंटे लिए। तो बी से रिस रहा है और ए है पानी भरने वाला पाइप,
तो भाई 2 और 7 का एलसीएम कितना, एक बार इस 3 को भूल जाओ, 2 और 7 का एलसीएम कितना 14, तो आप 14 लिख दो एलसीएम। तो भाई ए की क्षमता कितनी भाई 14/2 यानी 7, बी की क्षमता कितनी भाई 14/7 कितना आएगी 6। ठीक है, तो देखो ए की क्षमता है 7, लेकिन ए और बी जब मिल जाते हैं तो इनकी क्षमता हो जाती है 6, यानी बी की क्षमता कितनी होगी भाई, मैं कहूंगा ए की क्षमता है 7 तो बी की क्षमता कितनी होगी भाई, माइनस का 1 होगी, यानी कि जिस क्षमता से बाहर पानी आ रहा है उसकी 7 गुना कम क्षमता है भाई पानी रिसने की। अगर 7 यूनिट 1 घंटे में पानी आ रहा है तो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर भी जा रहा है। अब उसने पूछा क्या पानी चूने के कारण कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। अब टंकी में भाई जो कैपेसिटी है इसकी वो 14 यूनिट है और हर घंटे 1 यूनिट पानी बाहर निकल रहा है, तो कितने देर में खाली हो जाएगी, मैं कहूंगा 14/-1। देखो इस माइनस का कोई वजूद नहीं है, माइनस सिर्फ ये दर्शा रहा है कि पानी बाहर जा रहा है, अदरवाइज इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, आप माइनस हटा भी सकते हो यहाँ से, तो उत्तर आ जाएगा आपका 14 घंटे। ठीक है, बस माइनस का ये मतलब है कि भाई ये काम को घटा रहा है, यानी कि पानी बाहर जा रहा है, पानी अंदर आए तो प्लस लगेगा, बाहर जाए तो माइनस लगेगा, और बाकी इस माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 घंटे। चलो भाई नेक्स्ट, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं, तो ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। भाई देखो वही सवाल हो गया जैसे पहले पिछले चैप्टर के अंदर आते थे भाई, 6 घंटे में रोज 6 घंटे काम करें तो 12 आदमी 15 दिन में किसी काम को निपटा देंगे, तो रोज 9 घंटे काम करके 12 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। बस यहाँ पे आदमी की जगह पंप लगा दिया। ठीक है, चैप्टर तो वही है ये पिछला ही अपना। तो देखो इसमें क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम भाई, क्षमता गुना समय बटा कार्य बराबर क्षमता गुना समय बटा कार्य, और कार्य दोनों कंडीशन में सेम ही हो रहा है, तो सिर्फ आपको क्षमता गुना समय बराबर क्षमता गुना समय लिखना है। भाई क्षमता कितनी होगी 12 पंप, भाई ये 12 पंप क्षमता है, गुणा में समय कितना समय, रोज 6 घंटे काम करके 15 दिन तक, तो मैं कहूंगा 6 गुणा में 15। अब ये बराबर भाई क्षमता कितनी, उसने पूछा है आपसे कि भाई कितने पंप, तो मैंने मान लिया एक्स पंप, रोज 9 घंटे काम करके 12 दिन तक, तो गुणा में समय यानी 9 गुणा में 12, तो ऐसे एक्स का मान निकाल लो, देखो 12 से 12 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा भाई 3 3 9 और 3 5 15, 3 इस 6 को काटेगा 2 पे, तो एक्स का मान आ जाएगा 5 2 10, यानी 10 पंपों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे तथा पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है, यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। देखो ए भर सकता है 4 घंटे में, बी भर सकता है 6 घंटे में, 4 और 6 कैल्शियम कितना आ गया भाई 12, तो ए की क्षमता हो गई 3, बी की क्षमता हो गई 2। ठीक है, अब बारी बारी चलेंगे 1-1 घंटे, पहले घंटे ए चलेगा, फिर अगले घंटे बी, फिर 1 घंटे ए, फिर 1 घंटे बी। तो देखो पहले घंटे ए आएगा, कितना यूनिट डालेगा भाई 3 यूनिट, अगले घंटे बी आएगा, कितना डालेगा 2 यूनिट। अब 2 घंटे में 5 यूनिट पानी आ गया, अब हर 2-2 घंटे में 5-5 यूनिट पानी आएगा, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद क्या है आपका जो चीजें हैं वो रिपीट हो रही है, पहले ए आया फिर बी आया, अब रिपीट होएंगे, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, फिर रिपीट होएंगे, ए आएगा बी आएगा, तो मैं कहूंगा भाई 2 घंटे में कितना पानी आया भाई 5 यूनिट। ठीक है, लेकिन अपने को डालना कितना है 12 यूनिट, तो 5 को ऐसे गुणा करो कि 12 या 12 से जस्ट नीचे पहुंचे, तो 5 का दुगना होता है 10, तो मैं कहूंगा भाई 2 का दुगना कर दो, 4 घंटे में कितना आ गया 10 यूनिट पानी आ गया। ठीक है, अब देखो 12 यूनिट आपको लाना है, 10 यूनिट तो आ चुका है, कितना यूनिट बाकी है 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट पानी आना है, बारी किसकी है, पहले ए आया था फिर बी आया, फिर ए फिर बी, अब फिर से ए की बारी आई, तो ए की क्षमता कितनी है 3, अब इस 3 की क्षमता से 2 यूनिट पानी भरना है, तो कितना समय लेगा भाई 2/3, 2/3 घंटे और लगेंगे, तो 4 घंटे पहले ही लग गए थे, तो उत्तर हो जाएगा 4 जमा में 2/3 घंटे, या फिर 4 सही 2/3 घंटे। सो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि भाई टैंक 4 सही 2/3 घंटे में पूरा भर जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटों में, तो प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया और यदि नली बी को भी 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी। देखो भाई ए भर सकता है 2 घंटे में, बी भर सकता है 6 घंटे में, दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई 6, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1। अब देखो 10 बजे ए को खोल दिया और 11 बजे बी को खोला, तो 10 से 11 तक अकेला ए चला, तो मैं कहूंगा भाई 11 बजे तक
एक घंटे चल चुका है ए, तो एक घंटे में कितना यूनिट पानी डालेगा भाई ए? 3 यूनिट। तो भाई 11 बजे तक 3 यूनिट पानी तो भर लिया ए ने। अब 6 में से 3 गए, कितने बच गए? 3 यूनिट और बच गए। तो भाई 11 बजे तक 3 यूनिट भर चुका है पानी, अब 3 यूनिट और बाकी है, लेकिन ये 11 बजे बाकी है। तो अब 3 यूनिट पानी भरना है। अब ए और बी दोनों चल रहे हैं, क्योंकि 11 बजे बी को भी चला दिया, तो अब इन दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो गई? मैं कहूंगा 3 ए की है और 1 बी की है, तो 3 और 1 कितना? 4। तो भाई 3 यूनिट पानी भरना है 4 की क्षमता से, तो कितना समय लगेगा भाई? 3/4 घंटे, क्योंकि सारी चीजें घंटे में दे रखी थी, 2 घंटे हैं ये भी, 6 घंटे हैं, तो 3/4 घंटे आ गए। ठीक है, यानी कि 11 बजे के बाद 3/4 घंटे लगेंगे। तो भाई घंटों को मिनट में बदल लो, कैसे? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3/4 घंटों में 3/4 × 60 मिनट होंगे, तो गुणा में 60 कर दिया, कितना मिल गया भाई? 45 मिनट। यानी कि 11 बजे के बाद 45 मिनट और लगेंगे, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 11 बज के 45 मिनट। ठीक है, वैसे याद रखा करो, 1/4 घंटा जो हो 15 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1/4 घंटे 15 मिनट है, और 1/5 घंटे 12 मिनट होते हैं, तो 3/4 घंटे 45 मिनट होते हैं। ऐसे याद रखो चीजों को, 1/5 12 मिनट है, 2/5 घंटे 24 मिनट होते हैं, 3/5 घंटे 36 मिनट होते हैं। ये 1/4 और 1/5 घंटे पे, मतलब ये बहुत सारे सवालों के अंदर आते हैं ऐसी चीजें, तो इनको याद रखो। चलो भाई नेक्स्ट। दो नलियां पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती हैं, उसी को पी अकेली 30 मिनट में भर सकती है, तो क्यू अकेली कितने समय में भरेगी? ठीक है, देखो भाई, पी और क्यू मिलके 20 मिनट में भर सकते हैं, पी अकेली 30 मिनट में भर सकती है, तो भाई इनका एलसीएम कितना हो गया? 60। पी और क्यू की मिलके क्षमता 3 और पी की क्षमता 2, तो पी की क्षमता 2 है, पी और क्यू की मिलके 3 है, तो भाई क्यू की कितनी भाई? 1 हो गई क्षमता। अब क्यू कितने टाइम में भरेगी भाई? 60 यूनिट 1 की क्षमता से, कितना समय लेगा भाई? 60/1 यानी 60 मिनट। सो ऑप्शन बी 60 मिनट इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक टंकी को दो नलियों ए तथा बी द्वारा क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियों को खोल दी जाती हैं, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनट में भर जाती है। तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया था? देखो भाई, ए भर सकता है 20 मिनट में और बी भर सकता है 30 मिनट में। अब दोनों को चला दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ए को बंद कर दिया, और उसके बाद देखा टोटल जो टाइम लगा वो 18 मिनट लगे टंकी को भरने में। तो देखो भाई, ए 20 मिनट, बी 30 मिनट, एलसीएम कितना? 60। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। अब देखो, टंकी 18 मिनट में भरी है और बीच में कहीं ना कहीं ए को बंद किया है, यानी बी पूरे 18 मिनट तक चला है, तो बी ने कितना पानी डाला होगा भाई 18 मिनट में? बी की क्षमता कितनी है? 2। तो मैं कहूंगा बी ने कितना पानी डाला होगा 18 मिनट में 2 की क्षमता से? 36 यूनिट पानी डाल दिया। 60 यूनिट टोटल था, जिसमें से 36 डाला बी ने, इसका मतलब जो बच गया वो ए ने भरा है, और कितना बच गया भाई? 60 में से 36 तो बी ने भरा है, तो बाकी का 24 ए ने भरा होगा। तो ए ने 24 यूनिट भरा, किस क्षमता से? ए की क्षमता कितनी है भाई? 3। तो 24/3 यानी 8 मिनट। सो उत्तर डी हो जाएगा इसका, 8 मिनट। भाई ए को 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है, ए 24 यूनिट 8 मिनट में भरेगा, यानी ए 8 मिनट तक चला था, इसका मतलब ए को 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। चलो भाई नेक्स्ट। दो पाइप क और ख किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप ग टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले क और ख को खोला जाता है, उसके 7 मिनट बाद ग को भी खोला जाता है, तो टंकी कितने मिनट में भरेगी? देखो भाई, क भर सकता है 36 मिनट में, ठीक है, ख भर सकता है 45 मिनट में, और ग खाली कर सकता है 30 मिनट में। ठीक है, खाली कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, अदरवाइज और कोई मतलब नहीं है इस माइनस का। भाई 36, 45 और 30 कितना एलसीएम? 180। क की क्षमता हो गई 5, ख की हो गई 4, और ग की हो गई -6। ठीक है भाई, -6 का मतलब ये है कि ग की क्षमता तो 6 है, लेकिन वो पानी को बाहर निकाल रहा है, भी अंदर नहीं लेके आ रहा। तो देखो भाई, अब क्या बोला, क और ख को खोल दिया और उसके 7 मिनट बाद ग को भी खोला, यानी कि 7 मिनट बाद, 7 मिनट तक क और ख ही चलते रहे, तो 7 मिनट में कितना पानी भर देंगे ये भाई? क की क्षमता है 5, ग की है 4, 5 और 4 कितने हुए? 9। तो 9 की क्षमता से 7 मिनट तक 63 यूनिट पानी भर देंगे, कौन? क और ख। अब ग को भी खोल दिया गया, तो टंकी कितने मिनट में भरेगी? तो देखो भाई, 63 यूनिट तो भर दिए, अब टोटल यूनिट कितनी थी? 180।
अब 180 में से 63 तो भरी जा चुकी है, बच गई कितनी, 117 बच गई। अब ये 117 यूनिट भरी जानी है भाई किस क्षमता से, कै खै और गैन तीनों की मिलके जो क्षमता बनेगी वो, क्योंकि अब तीनों खुले हैं। कै की क्षमता है 5, गै की 4, 5 और 4 कितने हो गए भाई 9, खै की 4 है सॉरी, ठीक है 5 और 4 9 हो गए, और गै की क्षमता है माइनस का 6। अब 9 में से 6 गए कितने बचे 3, यानी इन तीनों की मिलकर क्षमता हो गई है प्लस का 3, तो मैं इसको 3 से भाग दे दूंगा, तो 117 बटा में 3 कितना भाई 39 मिनट, यानी 39 मिनट और लगेंगे। ठीक है 7 मिनट पहले ही लग चुके थे, 7 मिनट तक तो कै और खै चले थे, और उसके बाद 39 मिनट तक कै खै और गै ये तीनों चले, तो भाई उत्तर क्या हो जाएगा, कुल कितना समय लिया, मैं कहूंगा 7 और 39 46 मिनट, जो कि ये रहा ऑप्शन बी में। ठीक है चलो भाई नेक्स्ट। एक टंकी में दो पाइप ए और बी लगे हैं, ए उसे 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को एकांतर रूप से एक एक मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। देखो भाई ए भर सकता है 20 मिनट में और बी खाली कर सकता है 30 मिनट में, तो माइनस का 30 लिख दिया। मेन कैल्शियम कितना 60, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता माइनस का 2। ठीक है अब देखो इनको एक एक मिनट के लिए खोला गया, ए और बी को, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो देखो पहले घंटे में ए कितना पानी डाल देगा 3 यूनिट, फिर बी आएगा, बी कितना पानी बाहर निकाल देगा भाई 2 यूनिट, पहले 3 यूनिट आया फिर 2 यूनिट गया, तो मैं कहूंगा भाई शुरू के 2 मिनट में कितना पानी आ गया, मैं कहूंगा पहली मिनट 3 आया और अगली मिनट 2 चला गया, तो मैं कहूंगा 1 यूनिट पानी आया। अब ये हर 2 मिनट के बाद चीजें रिपीट होंगी, भाई पहले ए आया फिर बी आया, 2 मिनट हो गए अब फिर से रिपीट होंगी चीजें, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, फिर रिपीट होंगी ए आएगा बी आएगा, तो आप ये देखो रिपीट कितने टाइम के बाद हो रही है, 2 मिनट के बाद हो रही है, तो मैं 2 मिनट का पहले निकालूंगा भाई 2 मिनट में 1 यूनिट पानी आ रहा है। अब मुझे टोटल कितना डालना है 60 यूनिट, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखा करो भाई बी जो है वो पानी निकाल रहा है 2 यूनिट, तो आप इसको मैं सीधा गुणा नहीं कर सकता 1 यूनिट 2 मिनट में है, तो मैं ये नहीं कह सकता भाई 60 यूनिट 120 मिनट में होगा, क्योंकि ऐसे देखो बी जो है वो 2 यूनिट पानी निकाल रहा है, तो यानी कि अगर जब 57 यूनिट पानी हुआ होगा तो ए की बारी आई मान लो, तो ए कितना डाल देगा 3 डाला ए ने, तो कितना 60 हो गया। अब भाई टंकी तो भर गई, अब टंकी को वहीं पे बंद कर देंगे, हम मौका देंगे ही नहीं कि अब बी उसको 2 मिनट अगले 1 मिनट तक और चलाएंगे ही नहीं कि बी 2 यूनिट पानी वापस बाहर निकाल दे और 60 से हम फिर से 58 पे आ जाएं, ऐसा नहीं। ठीक है तो देखो बी जो है वो 2 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है, तो आप इसको 60 तक मत लेके जाना, आप ये बस ये करो इसको 57 तक लेकर जाओ, तो देखो 2 मिनट में 1 यूनिट, तो मैं 57 यूनिट कितनी देर में कहूंगा भाई, मैं 57 का दुगना 114 मिनट, 114 मिनट में कितने आ गए भाई 57 यूनिट आ गया। अब 114 यूनिट हो गई, अब फिर से ए की बारी आएगी, अब ए कितना यूनिट पानी डालेगा 3 यूनिट, तो अगली 1 मिनट के बाद जब 115 मिनट हो जाएंगी तो 57 में 3 यूनिट और आ गई, अब कितनी होगी भाई 60 यूनिट आ गया, तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई 115 मिनट। ठीक है तो ये 115 मिनट में टंकी भर जाएगी, अब उसके बाद और चलाओगे जब 116 मिनट के लिए चला दी तो फिर वापस 58 हो जाएगा, तो अपने को तो आंसर वहीं पे आ गया जब 115 मिनट में ही जब 60 यूनिट पानी आ गया था। चलो भाई नेक्स्ट। एक तरण ताल 3 पाइपों से भरा जाता है, लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, तो दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर ताल को कितने समय में भरेंगे। देखो भाई मैंने मान लिया एक पाइप है ए, एक बी और एक सी, अब उसने कहा कि भैया तीनों मिलके किसी किसको भर रहे हैं ये तरण ताल को, ठीक है तो ए और बी की जो क्षमता है वही क्षमता सी की है ये कहा गया है, क्योंकि इसने देखो ये लिखा है जितने समय में कहा कि भी पहले 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप भर रहा है, यानी पहले 2 की क्षमता मिलके जितनी है उतनी क्षमता के लिए तीसरे की है। अब बोला गया दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे तेज है और तीसरे से 4 घंटे धीमे है, तो मैंने तीसरे को मान लिया भाई जो तीसरा पाइप भाई एक्स मिनट में एक्स घंटे में इसको भर सकता है एक्स घंटे में, ठीक है तो बी जो है जो दूसरा पाइप है वो इससे 4 घंटे धीमे है, यानी इससे 4 घंटे ज्यादा लेगा ये, तो मैं कहूंगा एक्स प्लस 4 समय लेगा, और जो दूसरा पाइप है ये तीसरे ये पहले वाले से 5 घंटे धीमे है, ये लिखा है ना सॉरी 5 घंटे तेज है,
दूसरा पाइप पहले वाले से 5 घंटे तेज है, तो जब दूसरा पाइप x प्लस 4 घंटे ले रहा है तो इसका मतलब पहला पाइप x प्लस 9 घंटे ले रहा होगा, है ना भाई? तभी तो इससे 5 घंटे तेज हो आए, यानी कि 5 घंटे कम लेना, 5 घंटे तेज होना मतलब 5 घंटे कम समय लेना। तो अब देखो ए और बी मिलके उतना ही समय लेते हैं जितना अकेला सी लेता है। तो देखो आपने पिछले चैप्टर के अंदर देखा होगा एक इक्वेशन, एक चीज हमने डिराइव की थी कि अगर अकेला जब ए और बी मिलके काम करते हैं तो वो जितना समय लेते हैं उससे एक्स समय ज्यादा ले अकेला ए, और जब ये मिलके काम करते हैं उनसे वाई समय ज्यादा ले अकेला बी जब काम करे, तो मैं कहूंगा दोनों मिलके कितना समय लेंगे, अंडर रूट का एक्स वाई। अब देखो वही सवाल है कि नहीं यहाँ पे भाई, आपको ये कंडीशन दे दी ए और बी की क्षमता मिलके उतनी है जितनी सी की है, यानी ए और बी मिलके उतना ही समय लेते हैं जितना सी अकेला लेता है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई एक्स का मान कितना होगा, रूट का 9 गुणा में 4, कितना भाई, रूट का 36, यानी कि 6। एक्स का मान 6 आ जाएगा, पिछले चैप्टर में कर चुके हैं हम इस चीज को। अब उसने बोला क्या है, दूसरे और तीसरे पाइप मिलके कितने समय में भरेंगे, दूसरा पाइप भाई 6 प्लस 4 10 और तीसरा पाइप 6, तो भाई बी और सी, बी टाइम ले रहा है 10 और सी टाइम ले रहा है 6, मिलके कितना समय लेंगे, 10 और 6 का एलसीएम 30, इसकी क्षमता 3, इसकी 5, तो कितना आ जाएगा भाई 30 बटा 8, भाई 5 और 3 मिलके 8 हो गई क्षमता, तो 30 यूनिट भरना है 8 की क्षमता से, तो 30 बटा 8 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि अपना आएगा कितना भाई 3.75, कहाँ पे, ये रहा भाई ऑप्शन बी 3.75 घंटे। चलो भाई नेक्स्ट, एक टैंक में दो पाइप लगे हैं, पहला पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइपों को एक ही समय एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। देखो ये पहला 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा 16 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस का 16 लगा दिया, एलसीएम आया कितना भाई 16, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता माइनस का 1। अब जब दोनों मिलके भरेंगे तो दोनों की मिलके क्षमता लगेगी, ए की क्षमता है 4, बी की -1, तो दोनों की मिलके कितनी हो गई 4 - 1 यानी 3। अब ये 16 यूनिट भरने हैं 3 की क्षमता से, तो भाई कितना समय लगेगा, कार्य बटा क्षमता होता है समय, कार्य 16 है क्षमता 3 है, तो 16 बटा 3 कितना भाई 5 सही, 1 बटा 3 घंटे, ये रहे ऑप्शन डी में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर इसको वैसे तो आप 5-10 सेकंड में इसको सॉल्व कर ही सकते हो, फटाफट करोगे तो, बाकी इसने देखो ऑप्शंस कैसे दिए हैं, जब एक टैंक 30 मिनट में खाली कर रहा है दूसरा 45 मिनट में खाली कर रहा है, तो दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे, एक बार खुद सोचो, क्या 30 मिनट में करेंगे दोनों मिलके, कैसे हो सकता है भाई, जब ये अकेला ही 30 मिनट में एक बंदा खाली कर रहा है तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब देखो एक 30 में कर रहा है दूसरा 45 में कर रहा है, अगर दोनों 30 30 में कर रहे होते तो मेरा उत्तर 15 होता है ना, ये भी 30 में करते ये भी 30 में करते तो दोनों मिलके 15 में कर देंगे, लेकिन दूसरा 45 में कर रहा है यानी कि 15 से बड़ा उत्तर होगा, तो न ये 15 हो सकता है न ये 14 हो सकता है, ऑप्शन यही होगा भाई 18 मिनट ही इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। देख लो भाई एक पाइप है ए, ये 30 मिनट में खाली करेगा, पाइप है बी, ये 45 मिनट में खाली करेगा, दोनों मिलके कितना, इनका एलसीएम आ गया 90, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2, अब 3 और 2 मिलके 5 क्षमता हो गई, 90 यूनिट खाली करना है, तो 90 बटा में 5 कितना भाई 18 मिनट, ठीक है ऑप्शन बी 18 मिनट इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ओके टाटा टेक केयर बाय बाय।